नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप डीडी नेशनल का लोगो किस तरीके से कॉरिडोरों में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे एलिप्स यूज करना है, एक एलिप्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, सिलेक्शन टूल यूज करना है और यहां से इसका डुप्लीकेट लेकर के आपको राइट क्लिक कर देना है ताकि इसका डुप्लीकेट हो जाए। और इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए और इस तरीके से आपको इसे एडजस्ट करना होगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे और कर दीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे दबा दीजिए इस तरीके से, बिल्कुल ये शेप देनी है आपको। और उसके बाद यहाँ से आपको आना है कस्टम शेप टूल पर। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कॉमन शेप का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेप्स में जाना है और यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इस ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मिरर का, मिरर वर्टिकल का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट हो जाएगा और उसके बाद इसको उठा कर लाना है और यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से। थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए इसको और यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए इसको। एडजस्ट करने के बाद सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ले लेना है वेल्ड। वेल्ड लेने के बाद ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम करने के बाद ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद अब आपके पास ये बचेगा, इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल के। कंट्रोल के से ब्रेक अपार्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए। हमें बेसिकली ये शेप चाहिए थी, इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल क्यू और F10। कंट्रोल क्यू F10 करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ से हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पॉइंट पर क्लिक करके इस एरो को हम नीचे की तरफ देंगे ताकि ये जो एरो है हमारा थोड़ा सा राउंड में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद इस पॉइंट पर हम लोग डबल क्लिक करके इसको राउंड दे देंगे। राउंड करने के बाद वापस से आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है और इस एरो पे भी डबल क्लिक करके इसको राउंड कर देना है। राउंड करने के बाद इस एरो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसको राउंड शेप देनी है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से आप इसे राउंड शेप दे दीजिए। इस तरीके से आपका राउंड हो जाएगा। राउंड होने के बाद आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इसके अंदर ब्लू कलर फिल करना है, राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन के ऊपर भी आपको ब्लू कलर फिल कर देना है और इसके बाद इसका डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से मिरर पर वापस से क्लिक करिए, ये अपोजिट घूम जाएगा। शिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे आना है और इसको अपोजिट इस तरीके से घुमा देना है बिल्कुल इसके साइज में और उसके बाद इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से, बिल्कुल जैसे मैंने इसको एडजस्ट किया है एडजस्ट कर दीजिए। और उसके बाद इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा दबा दीजिए कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें अब अर्थ चाहिए, तो अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F11। कंट्रोल प्लस F11 दबाने के बाद आपके सामने इस तरीके से ग्लैब्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा अर्थ आपको दिखाई दे रहा है। अगर अर्थ आपको दिखाई ना दे तो यहाँ पर आपको फॉन्ट पर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है वेडिंग। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करके वेडिंग फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो वेडिंग फॉन्ट लेने के बाद इसके अंदर आपको अर्थ बहुत सारी शेप्स नजर आएंगी, इसमें से कोई भी शेप आप उठा सकते हैं। तो मोस्टली हमें क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स के अर्थ हैं, इनमें से कोई भी अर्थ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यही वाला अर्थ लेंगे। इस अर्थ को हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बड़ा करने के बाद इसके अंदर ब्लू कलर फिल कर देंगे और उसको उठा करके यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक रेक्टेंगल यूज़ करना है और रेक्टेंगल इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F10। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो लॉक नज़र आ रहा है, इस लॉक को आपको अनलॉक कर लेना है और यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए अपने हिसाब से, लाइक हमने दे दिया 10। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ से इसको 10 दे दीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से एक रेक्टेंगल यूज़ करना है और इस रेक्टेंगल को इस तरीके से आपको इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद इसके कॉर्नर भी यहाँ पर मुड़े हुए आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से वैल्यू 0 दे देनी है और यहाँ से भी इसकी वैल्यू हमें 0 दे देनी है। 0 देने के बाद आपको इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इसके अंदर येलो कलर फिल कर लेना है। येलो कलर फिल करने के बाद कंट्रोल के साथ एंड दबाना है ताकि इसके बैक साइड में चला जाए और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इसके अंदर ब्लू कलर फिल कर देना। ब्लू कलर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है नेशनल। लिखने के बाद सिलेक्शन टूल यूज करिए, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल एरियल ब्लैक रखिए और उसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस तरीके से। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए, यहाँ से सी दबाइए और ई दबाइए और कलर ले लीजिए यहाँ से वाइट, और कलर ले लीजिए यहाँ से वाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डीडी नेशनल का लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये था डीडी नेशनल का लोगो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।